सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारतीय बाजारों को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे निफ्टी में शानदार एक्शन देखने को मिला आज के दिन, 163 पॉइंट का जबरदस्त उछाल आया। तो वहीं सेंसेक्स में हमें 0.73% की तेजी देखने को मिली है। और ये जो बूस्ट मिला बाजार को कहाँ से मिला है भाई, ये मिला आप लोग देखोगे IT सेक्टर और बैंक निफ्टी से। तो काफ़ी शानदार बूस्ट मिलते हुए नजर आए। IT सेक्टर में दमदार रैली देखने को मिली है। और आज आप लोग देखोगे भी कल के दिन जिन खबरों के कारण मार्केट के ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट आएगा, वो है भाई दो बड़ी खबरें। और वो दो खबरें क्या है, HCL टेक और जो रिलायंस इंडस्ट्री, इन दोनों कंपनियों के रिजल्ट आए हैं जो निफ्टी के अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन दो कंपनियों के कारण आप लोग देखो कल मार्केट के अंदर बड़ा उथल, जो क्या बोलते भी उथल पुथल होते हुए नजर आने वाला है। तो रिजल्ट्स कैसे हैं वो इम्पैक्ट डालेंगे। तो चलिए भी आपको दिखाता हूँ डिटेल में सब कुछ। वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया रिजल्ट्स के ऊपर भी, रिजल्ट्स कैसे आए हैं कैसे नहीं है, फिर भी आपको दिखाएंगे भी, आप लोग भी डिटेल में एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। तो इसके अलावा आप लोग यूरोपियन बाजारों से कैसे संकेत है, US की मार्केट से कैसे संकेत है, FI वालों का क्या स्टेटस रहा है अभी, आज फिर से लगातार जो अक्टूबर मंथ में तो बेच रहे हैं FI वाले, आज कैसा रहा है वो आपको दिखाएंगे डिटेल में। तो चलिए भी सबसे पहले US मार्केट की बात है। तो जबरदस्त एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है अभी US मार्केट, डाउ जोन्स में हालांकि हल्की तेजी है, और S&P 500 एंड आप लोग देखोगे नैस्डैक में जबरदस्त एक्शन रहा है भाई, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यूरोपियन बाजार। यूरोपियन बाजार की बात करें तो जबरदस्त एक्शन यहाँ पर भी बना हुआ है, शानदार एक्शन में है यूरोपियन मार्केट्स भी। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं फ्यूचर लेवल्स के ऊपर कैसे रहेंगे बाजार। तो यहाँ पर देखोगे डाउ जोन्स फ्लैट रहने की संभावना है, और S&P 500 और जो नैस्डैक में जबरदस्त एक्शन। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि क्रूड ऑयल में बड़ी गिरावट बन गई है भाई, 2% के करीब गिरावट आ गई क्रूड ऑयल में, जो कल दिन बाजार को एक अच्छा बूस्ट देने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको डाटा वगैरह कैसा है FI का। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी FII का जो डाटा हमें देखने को मिला डेली वेज पर, यानी कि आज के दिन, तो आज के दिन का जो डाटा वो देखोगे भी FII की तरफ से बिकवाली की गई, वो FII वाले बियरिश है, जो कि 3732 करोड़ की फ्रेश बिकवाली हुई आज के दिन। वहीं आप लोग देखोगे नेट बिकवाली और जो DI उनकी तरफ से 2278 करोड़ की खरीदारी की गई है। इसके अलावा आप लोग मंथली देखोगे तो अक्टूबर मंथ में जो भर भर के माल बेचा ना भाई DI वालों ने, वो आपके सामने है। DI वालों ने भी खरीदा जरूर है, लेकिन नेट तो सेलिंग में ही रहेगा भाई। यहाँ पर देखोगे हैवी क्वांटिटी में जो ना अभी सेलिंग की गई है 62,126 करोड़ की। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है भाई, आज से ठीक 4-5 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 3 साल पहले की या फिर कोविड से पहले की बात करें, इतनी बिकवाली अगर FI वाले कर देना, मार्केट 10% डाउन था, ठीक है जी हाँ, मार्केट 10% डाउन था। अगर 2020 से पहले इतनी हैवी बिकवाली अगर FI वाले कर दे तो मार्केट में 10% की गिरावट। और अभी के टाइम देखोगे कितना डाउन आया भाई, निफ्टी 1000 पॉइंट के करीब नीचे में, 1000 पॉइंट भी नहीं है भाई। तो ये एक मजबूती है रिटेल निवेशकों की, ठीक है, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में माल बेच रहे हैं FI वाले और फिर भी बाजार खड़ा है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है, और हर दिन बेच रहे हैं। आज से ठीक 5 साल पहले आप लोग जाकर देखो कि इतनी बिकवाली अगर आ जाए तो मार्केट को बुखार हो जाता था, 10-10% मार्केट डाउन 60,000 करोड़ की बिकवाली में। तो अभी के टाइम आप लोग रिटेल निवेशकों की आप लोग देखोगे ताकत कितनी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ रहे हैं मार्केट में इंडिया के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब एक बार देख लेते भी जो FI का डाटा बिल्कुल नेगेटिव है ब्याज फिर से, तो यहाँ से तो कोई संकेत ही नहीं है। तो चलिए अब देख लेते अभी सबसे पहले जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो कैसे हैं। HCL टैग की बात करें तो भाई देखोगे HCL टैग में तिमाही आधार पर जो कंपनी के मुनाफा है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला, और डिविडेंड का ऐलान किया 12 रुपये पर इक्विटी शेयर से, ठीक है, कंपनी 12 रुपये डिविडेंड देने जा रही है। और इसके जो ना अभी हल्का फुल्का जो प्रॉफिट है वो टूटा है 0.5% के करीब भाई, ठीक है, यानी 0.5% के करीब। तो ये थोड़े बहुत आप लोग वीडियो को पोस्ट करें देख लेना अभी कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, डिटेल में मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा भाई, ठीक है। 12 रुपये का डिविडेंड ऐलान किया है, और इसकी जो डेट वगैरह है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते अभी आगे कैसे क्या रहेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री उसके कैसे रिजल्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर देखो रिलायंस इंडस्ट्री ने भी ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई, अभी अच्छे रहे हैं, मुनाफा भी जबरदस्त रहा है, अभी 16,563 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने बनाया है। और यहाँ पर डिजिटल एंड रिटेल में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है भाई, और ये ग्रोथ कल दिन बड़ा एक्शन दे सकती है शेयर में।
तो ये आपके सामने एक बार आप लोग देख लेना किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, ईबिटडा कैसा है, साल दर साल आधार पर बढ़ा है कम हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके। कंपनी ने कहा कि जो सितंबर तिमाही है ना उसमें O2C आय में लगभग 1.5 लाख करोड़ रही है, जो कि एक बहुत अच्छी रही है अभी, ठीक है। तो आपके सामने एक बार देख लेना अभी ऑयल एंड गैस का कैसा रहा है, रिलायंस जो रिटेल्स हैं वहाँ पर देखो अभी इविड 7.6% से बढ़कर 7.7 पर जबरदस्त ग्रोथ रही है इसमें भी। तो ये टोटल आंकड़े दो कंपनी के रिजल्ट्स जो कि इंपैक्ट डालेंगे कल बाज़ार के ऊपर, तो वो ठीक आए हैं अभी लगभग, ठीक है। तो इनका यहाँ से फ्लैट रहना संभव है और मार्केट में ठीक ठाक माहौल बनते हुए नजर आएगा। चलिए एक बार देख लेते हैं चार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर देखो अभी निफ्टी को लेकर मैंने कल के दिन लेवल्स बताए थे आपको, ठीक है, और आपको मैंने बोला ना मार्केट में थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड का संकेत आ रहा है यहाँ पर, लेकिन ब्रेकआउट भी बन रहा है अभी, ब्रेकआउट भी हुआ ना लास्ट में, तो ये देखो ब्रेकआउट हुआ और इस ब्रेकआउट के बाद जो ना एक ज़बरदस्त एक्शन हमें देखने को मिला, और यहाँ पर जो पहला टारगेट था या फिर रेजिस्टेंस था ऊपर में वो था भी 25,000 को ब्रेक करके सस्टेन करना जरूरी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट हाई पॉइंट पर डटा है, ठीक है, और अभी के टाइम आप लोग मार्केट में एक और रेंज क्रिएट होते हुए नजर आए। यहाँ पर देखोगे एक और छोटा सा ओपनिंग के बाद जो ना एक ट्रेंड बना है अप ट्रेंड, और इस अप ट्रेंड के चलते अगर मार्केट कल के दिन 25,156 इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट में एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिलने वाला है, और ये जो उछाल रहेगा फिर ऊपर में आप लोग देखोगे इस भाव की तैयारी रहेगी मार्केट की। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला पहला टारगेट रहेगा 25,236 का, तो ये रहेंगे लेवल्स। इसके अलावा कुछ पूछना तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो। सपोर्ट की बात करें तो अभी के टाइम 25,000 का सपोर्ट अभी नीचे में, 25,074 का पहला, दूसरा 25,028 का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।